हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस बेहतरीन सेशन में, जहां हम बात करेंगे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ब्लड ग्रुप्स एंड ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। सो, अगर आपने वो लेक्चर हमारा नहीं देखा है सो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, मैं उसमें लिंक दे दूंगा, सो आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब के ऊपर टुडे XP एजुकेशन नाम से जब आप सर्च करेंगे तो वहां इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां जाके आप लेक्चर को देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जहां हम बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। सो, ब्लड क्लॉटिंग ज़रूरी ही क्यों होती है? आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपको कभी चोट लग जाती है तो कुछ टाइम के बाद में, हम ये बोलते हैं कि ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो 1 से 3 मिनट का होता है, और क्लॉटिंग टाइम जो होता है वो 3 से 8 मिनट तक का हो सकता है। अगर माइनर क्लॉट है तो, अगर मान लो इंजरी माइनर है तो वो क्लॉटिंग टाइम 3 से 8 मिनट का है, अगर मेजर इंजरी हुई तो वहाँ पे सर्जिकल प्रोसेस जो है वो हमें रिक्वायर हो जाता है, मेडिकल इंटरवेंशन वहाँ पे रिक्वायर होता है, ठीक है। सो, ब्लड क्लॉटिंग ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर मान लो कहीं भी चोट लग गई आपको खेलते समय, सो, वहाँ पे कुछ टाइम के बाद में क्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है, और ब्लड जो है वहाँ से आना बाहर हो जाएगा, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में भी मैं बताऊँगा कि कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सो, बात करते हैं। सो, सबसे पहले अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम क्या बताएंगे कि ब्लड क्लॉटिंग इज़ द मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस लिए ज़रूरी होती है ये, टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से एक्सेसिव लॉस ना हो जाए ब्लड का, इसलिए ब्लड क्लॉटिंग जो है वो रिक्वायर होती है, ठीक है। देन ए क्लॉट और कोएगुलम इज फॉर्म्ड। जो डैमेज्ड पार्ट होता है वहाँ पे क्या बन जाएगा, एक क्लॉट बन जाता है, ठीक है, या फिर कोएगुलम भी उसको बोलते हैं, वो बन जाता है, ठीक है। आपकी NCERT में ये पूरे प्रोसीजर दिए हुए हैं, लेकिन मैंने इनको इस फॉर्म में लिखा है ताकि आपको मेमोराइज करना सही हो जाइए, ठीक है। सो, सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है। जो डैमेज्ड टिश्यू है, द डैमेज्ड टिश्यू एज वेल एज द प्लेटलेट्स, दे रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा, रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसको हम स्टेप्स में समझें अगर, तो पहले हम क्या बोलेंगे, रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रिलीज हुआ, जो डैमेज्ड टिश्यू है वहाँ से, जहाँ इंजरी हुई है, और जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या रिलीज करेंगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन। डैमेज्ड टिश्यू पार्टिकुलरली अगर हम देखें तो ये एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है, ऐसे ही प्लेटलेट्स जो हैं दे रिलीज एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन ध्यान रखना है यहाँ पे कि कैल्शियम आयन इज रिक्वायर्ड इन ईच स्टेप, ठीक है। तो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में वो क्या बना देते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज, या फिर इसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। मैंने क्या बताया कि थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन इट विल फॉर्म प्रोथ्रोम्बिनेज, जिसको हम थ्रोम्बोकाइनेज भी बोलते हैं। देन ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है, ये करता है कन्वर्जन ऑफ ए प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन। अगर प्रोथ्रोम्बिनेज मान लो नहीं हुआ तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और आगे की जो प्रोसेस है वो भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो, प्रोथ्रोम्बिनेज ने क्या किया, कन्वर्जन करवा दिया किसका, प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन कन्वर्जन करवा देता है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में, ठीक है। सो, हर एक स्टेप में कैल्शियम आयन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन भी आपसे नीट में पूछा जा सकता है कि कौन से आयन्स जो है वो ज़रूरी होते हैं। और ये फाइब्रिन जो है ये आगे जो डैमेज्ड ब्लड वेसल्स हैं उनके साथ मिलकर के क्लॉट बना लेता है, ठीक है। फाइब्रिन जो है अपना एक नेटवर्क बना लेगा और इस तरीके से क्लॉट बन जाता है, ठीक है। फिर से बताऊँ एक बार कि ब्लड क्लॉटिंग हमने डिस्कस किया है कि ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, ये एक मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से एक्सेसिव लॉस ना हो जाए किसी भी ब्लड का। सो, सबसे पहला स्टेप क्या है, रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, कहाँ से रिलीज हुआ, डैमेज्ड टिश्यू एज वेल एज प्लेटलेट्स। फिर उसने क्या किया,
इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम उसने क्या बना दिया, थ्रोम्बोकाइनेज। दूसरा स्टेप अगर हम बोलें तो सेकेंड स्टेप हम बोलेंगे कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन, और ये कन्वर्जन कौन करवाता है, प्रोथ्रोम्बिनेज, ठीक है। देन थर्ड स्टेप अगर हम बोलें तो हम बोलेंगे कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इंटू फाइब्रिन, ठीक है। ये कौन करवाता है, ये जो थ्रोम्बिन था ये कन्वर्जन करवा देगा फाइब्रिनोजन इंटू फाइब्रिन में, और ये फाइब्रिन जो है आगे ब्लड क्लॉट बना लेता है, ठीक है। अब हम कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सो क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में आपको ध्यान रखना है कि दे आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर, लीवर के अंदर ये क्लॉटिंग फैक्टर जो हैं सिंथेसाइज होते हैं मोस्ट ऑफली, ठीक है। देन इनके नाम ध्यान रखने हैं आपको, मैं बता दूंगा कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहला होता है फाइब्रिनोजन, देन प्रोथ्रोम्बिन। ये रोमन लेटर्स क्या डिनोट करते हैं, हम ये बोलेंगे कि दीज रोमन लेटर्स डिनोट द डिस्कवरी ऑर्डर, ठीक है। जिस क्रम में ये डिस्कवर्ड हुए थे वो ये डिनोट करते हैं। फाइब्रिनोजन जो है सबसे पहले डिस्कवर हुआ था इसलिए इसको फर्स्ट से डिनोट कर दिया, देन उसके बाद में प्रोथ्रोम्बिन, देन थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। फोर्थ वन इज कैल्शियम, फिफ्थ वन इज प्रो एक्सिलरिन, सिक्स जो है ये हाइपोथेटिकल बोला जाता है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, ये रिजेक्ट हो चुका है अब। देन सेवन्थ स्टेबल फैक्टर, एट्थ एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन AHG जिसको बोलते हैं, नाइन्थ क्रिसमस फैक्टर और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट PTC, ध्यान रखना है आगे PTA भी आएगा। देन टेंथ स्टुअर्ट फैक्टर या स्टुअर्ट प्रावर फैक्टर भी जिसको बोलते हैं, इलेवंथ प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट PTA जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्वेल्थ है हैगमैन फैक्टर एंड थर्टीन्थ है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। इनको देख के घबराना नहीं है, एक बहुत सी सिंपल ट्रिक बनाई है आपके लिए। सो सबसे पहले है फाइब्रिनोजन, ठीक है, इस ट्रिक को आप ध्यान रख लेंगे फॉर परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, फॉर परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर प्लीज अराइव सून एट चंद्रशेखर प्राइवेट हॉस्पिटल फरीदाबाद। अब देखो कितना आसानी से याद रहता है, मैंने क्या बताया, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, आप नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में कि फॉर परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर प्लीज़ अराइव सून एट चंद्रशेखर प्राइवेट हॉस्पिटल फरीदाबाद। अब ये क्या है, फॉर एफ स्टैंड्स फॉर फाइब्रिनोजन, परमानेंट पी स्टैंड्स फॉर प्रोथ्रोम्बिन, देन ट्रीटमेंट टी स्टैंड्स फॉर थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसके बाद कैंसर सी स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, प्लीज़ पी स्टैंड फॉर प्रो एक्सिलरिन, ए स्टैंड फॉर एक्सिलरिन, देन सून एस स्टैंड फॉर स्टेबल फैक्टर, एट एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, देन चंद्र क्रिसमस फैक्टर, शेखर स्टुअर्ट फैक्टर, प्राइवेट PTA, हॉस्पिटल हैगमैन फैक्टर एंड फरीदाबाद फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अगर ये ट्रिक आपको याद है तो आप इन सभी के नाम अच्छे से बता सकते हैं। उसके अलावा आपको ध्यान क्या क्या रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड देन एट्थ नाइन्थ टेंथ, ये सारे फैक्टर्स आपको ज़रूर से ज़रूर याद होने चाहिए। जो एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन होता है AHG, इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए हो जाता है, हीमोफीलिया ए, ठीक है। देन डेफिशिएंसी ऑफ PTC, ये जो है इसकी डेफिशिएंसी हीमोफीलिया बी हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और PTA 11th जो है इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया
सी हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी। ए किस वजह से होता है? एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, AHG की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए हो जाएगा। देन जो PTC है उसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी, एंड हीमोफीलिया सी किसकी डेफिशिएंसी से? PTA, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। सो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं इस तरीके से। मेन हमने बता दिए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 8th, 9th, 10th एंड 11th, ये बहुत ज़रूरी हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ एंटी कोएगुलेंट्स के बारे में। सो एंटी कोएगुलेंट्स क्या होते हैं? हम ये बोलेंगे कि वो केमिकल्स जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। द केमिकल सब्सटेंसेस विच इनहिबिट ब्लड क्लॉटिंग, दीज आर कॉल्ड एंटी कोएगुलेंट्स। हमारा ब्लड जो है नॉर्मली, अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारा ब्लड क्लॉट क्यों नहीं करता, सो हम ये बोलेंगे कि वहाँ पे एक नेचुरल एंटी कोगुलेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज हिपेरिन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हिपेरिन इज ए नेचुरल एंटी कोगुलेंट, ठीक है। देन हिपेरिन जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी में भी यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज़ ए नेचुरल एंटी कोगुलेंट एंड यूज इन ओपन हार्ट सर्जरी। सो देखते हैं हिपेरिन के बारे में क्या क्या पॉइंट लिखे हैं। इट इनहिबिट्स द, ये क्या कर देता है, चेंज जो है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन जो चेंज होना है उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। और अगर वो इनहिबिट हो गया सो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं होगी, ठीक है। मान लो कि अगर नॉर्मली ही ब्लड क्लॉट करने लग जाए तो वहाँ पे तो डेथ हो जाएगी, ठीक है। सो वो हिपेरिन जो है नेचुरली तरीके से एंटी कोगुलेंट का काम करता है, एंटी कोगुलेंट होता है। वो क्या करता है? इट इनहिबिट्स द चेंज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में नहीं होगा। और अगर वो चेंज नहीं हुआ तो थ्रोम्बिन जो अगली रिएक्शन कैटलाइज कर रहा था, दैट इज़ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, तो वो फाइब्रिन नहीं बनेगा, फाइब्रिन नहीं बनेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है हिपेरिन का, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। देन अगर टेस्ट ट्यूब्स के बारे में बात करें, ये तो चलो हमारी बॉडी के अंदर की बात हो गई। अगर टेस्ट ट्यूब की बात करें तो वहाँ पे सोडियम ऑक्सलेट, पोटासियम ऑक्सलेट या फिर सोडियम सिट्रेट, पोटासियम सिट्रेट, इस तरह से कुछ एंटी कोगुलेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब्स सोडियम ऑक्सलेट, पोटासियम ऑक्सलेट एंड सोडियम एंड पोटासियम सिट्रेट, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। ब्लड बैंक्स में जो ब्लड बैंक होते हैं तो वहाँ पे जो बॉटल्स होती हैं उनके ऊपर लिखा होता है इनके नाम, इन ब्लड बैंक्स आर्टिफिशियल एंटी कोगुलेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड बैंक्स में आर्टिफिशियल जो हैं वो एंटी कोगुलेंट होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर देते हैं। और मोस्ट कॉमनली जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? दीज आर CPD, CPD स्टैंड्स फॉर सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं सो ये सब टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक से टर्म्स होते हैं, ठीक है। आपने अगर कभी ब्लड डोनेट किया है या आपने देखा भी हुआ है कभी, तो वहाँ पे देखना कि ये जो एंटी कोगुलेंट्स हैं ब्लड लेने के बाद इनको ऐड किया जाता है वहाँ, ठीक है, ताकि ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं, अभी हमने बताया भी था कि क्लॉटिंग टाइम जो है वो 3 से 8 मिनट का होता है। नॉर्मली अगर ब्लड पड़ा हुआ है, एंटी कोगुलेंट उसमें ऐड नहीं किया, तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा, ठीक है। देन ACD स्टैंड्स फॉर एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, ठीक है। उसके अलावा EDTA भी होता है, EDTA स्टैंड्स फॉर इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये सारे मोस्ट कॉमन जो आर्टिफिशियल एंटी कोगुलेंट्स हैं वो होते हैं जो नॉर्मली ब्लड को क्लोट नहीं करने देते ड्यूरिंग, कब बात करें, ब्लड बैंक्स के केस में, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। सो ब्लड ग्रुप्स के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, डिस्कवरी जो है ब्लड ग्रुप्स की वो किसने की थी? सो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स की डिस्कवरी की थी, इतना आपको ध्यान रखना है। इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बेसिकली हुआ क्या था कि 1901 में इन्होंने ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए थे ABC नाम से, ठीक है। इनका एक स्टूडेंट था, उसने AB डिस्कवर किया था और इन्होंने ABO की जगह इन्होंने नाम दिया था पहले C, ठीक है। लेकिन उसको बाद में फिर जीरो या ओ ब्लड ग्रुप के नाम से बोल दिया गया था। सो कार्ल लैंडस्टीनर, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है यहाँ पे, डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर, एक पॉइंट हुआ।
देन हम ये बोलेंगे कि आरबीसीज के सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे हम बताएंगे भी कि अगर किसी का ए ब्लड ग्रुप है, मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरी आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। किसी का बी है तो उसकी आरबीसी के सरफेस के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसकी आरबीसीज के सरफेस के ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ये आगे मैं बताऊंगा भी आपको, ठीक है। सो जिनको क्या बोला जाता है, एग्लूटिनोजन्स, ठीक है। दीज आर फॉर्म्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, इनका नेचर कैसा होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स एज वेल एज ग्लाइकोलिपिड्स, कैसे भी हो सकते हैं ये, ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकते हैं, ये ग्लाइकोलिपिड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। देन एंटीजन्स होते क्या हैं, तो एंटीजन्स हम ये बोलेंगे कुछ प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अगर हमारी बॉडी के अंदर चले गए कोई फॉरेन एंटीजन तो वो एंटीबॉडी जनरेट कर देते हैं। एंटीजन्स आर बेसिकली एंटीबॉडी जनरेटर्स, ठीक है, एंटीबॉडी जनरेट कर देते हैं, या फिर द सब्सटेंसेस दैट कैन ट्रिगर ए प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म को ट्रिगर कर देते हैं। और डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। अगर कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर चला गया, सो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज हैं, वो उस बैक्टीरिया वायरस को किल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देन बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंटीजन्स, एंटीजन्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं, अब्सेंट भी हो सकते हैं, उसके बेसिस के ऊपर ब्लड इज कैटेगराइज इनटू डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली क्या सुना हुआ है कि ए बी ब्लड ग्रुप होता है, जिसको ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बोलते हैं, आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम सुना होगा आपने, लेकिन उसके अलावा भी और भी कई तरीके के ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देर आर मोर देन 30 ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट, एम एन एस सिस्टम हो गया, डफी सिस्टम हो गया, इस तरीके से लेवी सिस्टम हो गया, लेकिन हमें वो पढ़ने नहीं है, ठीक है। सो एज पर अगर आप लोग एम बी बी एस एग्ज़ाम क्रैक करके फर्स्ट ईयर में जाते हो मेडिकल कॉलेज में, सो अगर आपने प्रोफेसर ने आपसे वहाँ पे पूछ लिया कि ब्लड ग्रुप्स जो हैं कितने टाइप के होंगे, तो आप वहाँ पे ये थोड़ी बताएंगे ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव, नहीं। एज पर आई एस बी टी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अकॉर्डिंग टू आई एस बी टी देर आर नियरली 30 ब्लड ग्रुप्स, लगभग 30 के करीबन ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, एंड मोर देन 100 एंटीजन्स, 100 से भी ज़्यादा एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। सो उनके बारे में अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो आईएसबीटी के अकॉर्डिंग देर आर अप्रोक्स 30 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स, लगभग 30 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जिनमें से कुछ एक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ए बी ओ सिस्टम जो कि मोस्ट कॉमन है, देन आर एच सिस्टम, ये भी कॉमन होता है, आरएच सिस्टम के आरएच एंटीजन के ही प्रेजेंस के ऊपर हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव। मान लो किसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए है तो वहाँ पे ब्लड ग्रुप हुआ ए, अगर बी है तो ब्लड ग्रुप हुआ बी, अगर ए बी दोनों हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा, और अगर कुछ भी नहीं है तो ओ, ठीक है। देन एम एन एस सिस्टम भी होता है, कैल सिस्टम, लेवी सिस्टम, डफी सिस्टम, और भी कई तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, लेकिन ए बी ओ एंड आर एच सिस्टम दे आर मोस्ट कॉमन या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकली, ये क्लिनिकली जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। बाकी इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं है, तो हम ये बोलेंगे कि इनके जो एंटीजन्स हैं या तो बहुत ही वीक हैं या फिर सिर्फ फंक्शन करते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ब्लड ग्रुप की तरह एक्ट क्यों नहीं करते हमारी बॉडी में, तो हम सिंपली ये बोलेंगे कि इनके जो एंटीजन्स हैं वो या तो बहुत ही वीक होते हैं या फिर फंक्शन करते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर। हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके ऊपर ये काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो हमारे अंदर ए बी ओ एंड आर एच सिस्टम ही प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप के सिस्टम के बेस पे। सो ए बी ओ जो ब्लड ग्रुप है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू एंटीजन्स ए एंड बी, उसके बेसिस के ऊपर हम बता सकते हैं कि ब्लड ग्रुप जो पर्सन का है वो ए है या फिर बी है। मान लो कि किसी की आरबीसीज के ऊपर, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो हम क्या बताएंगे कि उसकी जो आरबीसीज हैं उसके सरफेस के ऊपर यहाँ पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, ये हम बात कर रहे हैं ए ब्लड ग्रुप वाले की,
ठीक है। सो ए ब्लड ग्रुप है किसी का तो आरबीसीज के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए एंटीजन, ठीक है। और एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ठीक है। मान लो कि ये एक ब्लड वेसल है, इस तरीके से एक ब्लड वेसल है ये, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा है, ये वाला जो प्लाज्मा है, यहाँ पे एंटीबॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ये मान लो एंटीबॉडी हो गया इस तरीके से, ये मैं एंटीबॉडी दिखा रहा हूँ वाई शेप्ड, ठीक है। आपने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो है क्लास 12th में पढ़ना है। सो एंटीबॉडीज जनरली प्रोटीन्स होते हैं, वाई शेप्ड के होते हैं, ठीक है। सो ये आपका ब्लड प्लाज्मा हुआ, तो प्लाज्मा के अंदर क्या फाउंड होती हैं, एंटीबॉडीज। एंटीजन कहाँ होता है, आरबीसीज के सरफेस के ऊपर, ठीक है। सो अभी उन ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यही पॉइंट लिखा भी हुआ है कि एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। अगर आपकी बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन आ गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज बन जाएंगे आपके शरीर में, ठीक है। एंटीबॉडीज जो है वो बन जाएंगी, फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। ध्यान रखना है कि एंटीबॉडीज कहाँ होती हैं, ब्लड प्लाज्मा में। एंटीजन कहाँ होता है, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जीन्स फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9, ठीक है। देन मेनली चार तरीके के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं आपके अंदर, हमारे अंदर। सो मैंने लिख दिए हैं AB एंड O, ये हैं ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। ये टेबल एज इट इज़ आपकी NCERT की बुक में भी दी हुई है, ठीक है। सो आपको ध्यान से देखना है, यहाँ से कई बार नीट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो बड़े ही ध्यान से देखना है, इसको बताने के बाद आप कभी भी कोई गलती नहीं करोगे। सो देखते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप मान लो A है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम ये बोलेंगे कि उस पर्सन की RBCs के ऊपर A एंटीजन प्रेजेंट है। मान लो मैं बना के दिखा देता हूँ आपके लिए कि ये उसकी RBCs हुई, ठीक है। तो RBCs के सरफेस के ऊपर कैसा एंटीजन होगा, A एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज कौन सी प्रेजेंट होंगी, वो होंगी एंटी बी उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज जो है वो प्रेजेंट होंगी। अब ऐसा क्यों कि एंटीजन तो ए है, यहाँ पे एंटी ए क्यों नहीं है, क्योंकि मान लो अगर एंटी ए एंटीबॉडीज होती तो खुद के ही आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देती वो, समझ रहे हो ना बात को, कि एंटीजन तो ए है, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज बी हैं बी के खिलाफ, तो मान लो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो मैच किया जाता है कि ए ब्लड ग्रुप वाला है तो उसको ए ब्लड ग्रुप वाला ही खून देगा, या फिर जो यूनिवर्सल डोनर है ओ ब्लड ग्रुप वाला वो खून देगा। बी क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि उसके प्लाज्मा में ऑलरेडी एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। तो जैसे ही कोई दूसरा ब्लड ग्रुप आएगा, बी ब्लड ग्रुप मान लो आ गया वहाँ पे, तो ये एंटीबॉडीज उसको कंडीशन इतनी फेटल हो जाती है कि जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। सो मैंने क्या बताया, ए ब्लड ग्रुप आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा। देन ब्लड वेसल की अगर बात करें, अभी हमने बताया भी था कि ये ब्लड वेसल है तो प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडीज यहाँ पे कैसी होंगी, एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट हैं, ठीक है। जो बी वाले के लिए ख़तरनाक है, जो बी ब्लड ग्रुप अगर आया तो वहाँ पे क्लंपिंग हो जाएगी, अभी मैं बताऊँगा आपको क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज, ठीक है। तो डोनर क्या हुआ, डोनर या तो वो ए से ले सकता है या फिर जो यूनिवर्सल डोनर होता है ओ वहाँ से ले सकता है। मैं आपको बताऊंगा अभी कि ओ को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है। देन ऐसे ही अगर ब्लड ग्रुप बी है तो आरबीसीज के सरफेस के ऊपर कैसा एंटीजन प्रेजेंट होगा, बी एंटीजन, लेकिन उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट हो जाएंगी, एंटी ए के अगेंस्ट, ठीक है। सो वो सिर्फ बी से ही ब्लड ले सकता है या फिर ओ से ब्लड ले सकता है, ठीक है। देन थर्ड वन ए बी ब्लड ग्रुप, तो ए बी ब्लड ग्रुप अगर है तो एंटीजन कौन से होंगे, दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ए एंटीजन एज वेल एज बी एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। एंटीबॉडीज वहाँ पे नहीं होंगी, ठीक है। एंटीबॉडीज ना तो एंटी ए होगी ना एंटी बी होगी, क्यों नहीं होगी, मान लो एंटी ए हो गई तो यहाँ पे ए और बी दोनों हैं एंटीजन, तो वो क्लंप कर जाएंगी, पर्सन की डेथ हो जाएगी यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे
कोई भी एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है इन केस ऑफ ए बी, ठीक है। देन डोनर्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा, जो ए बी वाला है ये किससे ब्लड ले सकता है, ये ए से भी ले सकता है, ये बी से भी ले सकता है, ये ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, ये लिखा हुआ है। इसलिए जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसको बोला जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इट कैन टेक ब्लड फ्रॉम एनी पर्सन, ठीक है, ये किसी से भी ले सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देन लास्ट में है ओ ब्लड ग्रुप, तो ओ ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन क्या होगा, दिख रहा है जीरो, कुछ भी नहीं है, एंटीजन नील होगा, लेकिन एंटीबॉडीज दोनों के अगेंस्ट होंगी, ठीक है। सो यहाँ पे डोनर्स का ग्रुप क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ ओ से ही अपना ब्लड ले सकता है, ठीक है। सो यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो ओ इज़ द यूनिवर्सल डोनर, एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करें सो ए बी इज़ द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ब्लड ट्रांसफ्यूज करते समय बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि एक साइड से मान लो हीरो है तो उसका ब्लड जा रहा है उसकी माँ के अंदर उसके भाई के अंदर, वो वैसा नहीं होता, डायरेक्टली एज इट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं किया जा सकता, बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, ये भी चेक करना पड़ता है कि जो पर्सन डोनेट कर रहा है उसको कोई डिजीज़ है, HIV है, हीमोफीलिया है या और कोई डिजीज़ है या नहीं है, क्या वो ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज करने लायक है। उसके अलावा क्या देखते हैं कि डोनर जो है उसका एंटीजन एंड रेसिपिएंट की एंटीबॉडी, ये भी मैच करते हैं। मैंने क्या बोला, द एंटीजन ऑफ डोनर एंड द एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट इट इज़ आल्सो मैच्ड, ये भी मैच की जाती है, ठीक है। देन आता है RH ग्रुप, RH स्टैंड्स फॉर रिसेस मंकी, जो आप मंकीज देखते हो अपने घरों के आसपास ये रिसेस मंकी है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कवर किया गया था इसलिए इसको RH बोल दिया गया। अब यहाँ पे RH एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो किसी में अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो वहाँ पे बोलते हैं उस पर्सन को RH पॉजिटिव, ठीक है। अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो पर्सन को बोल दिया जाता है RH पॉजिटिव, अगर RH एंटीजन अब्सेंट है तो RH नेगेटिव। जैसे मान लो मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो मेरे अंदर क्या होगा, एंटीजन तो बी है RBC के सरफेस के ऊपर और RH एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए बी पॉजिटिव। अगर किसी के अंदर RH एंटीजन अब्सेंट हुआ तो उसका क्या आ जाएगा, अगर बी ब्लड ग्रुप वाला है तो बी नेगेटिव, ठीक है। सो यही लाइन लिखी हुई है आपके लिए कि जब ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन है जब वो करते हैं सो डोनर का ब्लड और रेसिपिएंट का ब्लड जो है वो मैच करते हैं। अभी हमने बताया भी था कि एंटीजन ऑफ डोनर एंड एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट आर टू बी मैच्ड, उनको मैच किया जाता है सबसे पहले, ठीक है। अगर ऐसा नहीं किया गया सो क्लंपिंग हो जाएगी आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा विच मे लीड टू डेथ, ठीक है। यही पॉइंट लिखा है, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द ब्लड ऑफ डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ रेसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज क्लंप ना हो जाएं, इसलिए ये मैच करना बहुत ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। RH जो ब्लड ग्रुप है वो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ब्लड ग्रुप होता है आफ्टर ABO ब्लड ग्रुप, मोस्ट अबंडेंट कौन सा हुआ, ABO ब्लड ग्रुप, उसके बाद होता है RH ब्लड ग्रुप। RH वर्ड कहाँ से आया है, रिसेस मंकी से आया है, ठीक है। अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है सो RH पॉजिटिव बोल देंगे उस पर्सन को, एंड RH अगर एंटीजन अब्सेंट है तो उसको क्या बोल देंगे, RH नेगेटिव, ठीक है। अब एक टर्म आती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आप ध्यान से सुनेंगे, मैं इसके बारे में जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, ठीक है। सो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होता क्या है, हम ये बोलेंगे कि अगर RH पॉजिटिव फिटस है, मैं लिख देता हूँ RH पॉजिटिव फिटस, ठीक है, और RH नेगेटिव जो है वो मदर है, ठीक है। अगर कोई बेबी है अपनी मदर के अंदर, मदर का ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव एंड फिटस का है RH पॉजिटिव, सो फर्स्ट प्रेगनेंसी तक कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड है फिटस का और मदर का ये दोनों सेपरेट होते हैं बाई मीन्स ऑफ ए बैरियर कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक बैरियर होता है, या फिर एक आगे हम पढ़ाएंगे भी इसके बारे में, 12th क्लास में डिटेल में है इसके बारे में, कि प्लेसेंटा एक कनेक्शन होता है बिटवीन
जो क्या करता है, मदर और फिटस के थ्रू जो है आपस में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेज हैं, वेस्ट का एलिमिनेशन है, ये सब सारा ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, प्लेसेंटा। सो ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ ए फर्स्ट बेबी, जब पहले पहला जो बच्चा है उसका जन्म होता है, मान लो आरएच पॉजिटिव है फिटस और आरएच नेगेटिव जो है वो मदर है, सो पहले जो बर्थ होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई अबनॉर्मलिटी वहाँ पे नहीं होती, क्योंकि मदर का ब्लड और फिटस का ब्लड दोनों का सेपरेट रहता है बाय मीन्स ऑफ बैरियर कॉल्ड प्लेसेंटा। लेकिन जैसे ही बर्थ हुआ, एट द टाइम ऑफ बर्थ देर आर चांसेस दैट द ब्लड ऑफ फिटस इज मैच्ड विद या फिर मिक्स्ड विद ब्लड ऑफ मदर, वहाँ पे चांसेस हैं कि जब बर्थ होता है उस समय जो फिटस है उसका ब्लड और जो मदर का ब्लड है वो मिक्स हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो मदर की बॉडी के अंदर जो आरएच नेगेटिव है उसकी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज बन जाएंगी अगेंस्ट आरएच पॉजिटिव ब्लड, ठीक है, किसके अगेंस्ट बन जाएंगी, आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट, क्योंकि इनका ब्लड जो है अब मिक्स हो गया है फर्स्ट बर्थ के बाद में, ठीक है। सो जब ऐसा होता है सो उसके अगेंस्ट जो मदर की बॉडी है वहाँ पे आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगी। अब जब दोबारा से सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो जब उनको पता लगेगा मदर के एंटीबॉडीज़ को कि आरएच पॉजिटिव ब्लड है वहाँ पे, सो वो क्लंप कर जाएंगी आरबीसीज और जो फिटस है उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट केस बन जाता है ये, कब होगा एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, आरएच पॉजिटिव फिटस है, आरएच नेगेटिव मदर है, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि दोनों जो ब्लड हैं मदर का और फिटस का वो सेपरेटेड है बाय मीन्स ऑफ बैरियर कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है। लेकिन जब फर्दर सबसिक्वेंट प्रेगनेंसीज होंगी सो क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ फर्स्ट बेबी बर्थ, जब पहला जो बच्चा है उसका जन्म होगा, सो वहाँ पे देर आर चांसेस कि द ब्लड ऑफ फिटस एज वेल एज मदर गोट मिक्स्ड, ये मिक्स हो जाएंगे, और अगर मिक्स हो गए तो मदर के अंदर आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगी। अगर वो एंटीबॉडी बन गई हैं और दूसरी बार जब प्रेगनेंसी होगी तो वो ऑटोमेटिकली क्लंपिंग हो जाएगी आरबीसीज की फिटस के अंदर और वो वहाँ पे जो फिटस है वो डेड हो जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है। सो आज की क्लास में हमें यहीं तक डिस्कस करना है, अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल टुडे एक्सपी एजुकेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।